वेलकम बैक गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया से होंगे गाइस। तो इस वीडियो में बात करेंगे कल की मूवी के डे 35 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जानेंगे मूवी अब तक कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर चुकी है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हो चुकी है सुपरहिट या फिर बन चुकी है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि हम सभी को पता है कल की 2898 AD, जिसमें कि हम सभी को न केवल प्रभास, उनके साथ साथ जो है कि दीपिका पादुकोण और उनके साथ साथ जो है कि दिशा पाटनी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल इस मूवी में लुक दे रही हैं, और उनके साथ जो हम सब के शहनशाह यानी कि अमिताभ बच्चन, और उसके साथ साथ जो है कि कमल हसन, विजय देवराकोंडा जैसे बहुत सारे बेहतरीन एक्टर जो है कि इस मूवी में हम सभी को देखने को मिले हैं। मूवी का बजट 620 करोड़ जो है कि डिक्लेयर किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बट उससे भी ज़्यादा आप शौक हो जाएंगे जब वैन यू लुक एट इट्स कलेक्शन। तो कलेक्शन भी इस मूवी के वैसे ही आए हैं जिस तरीके से इस मूवी का बजट है। तो दोस्तों जान लेते हैं डीपली थोड़ा कितने किस तरीके से कलेक्शन किए हैं मूवी ने। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि ये कल की मूवी काफ़ी बड़े बजट की मूवी है, लेकिन उसके साथ साथ मूवी ने अब तक जो है कि 34 दिन के अंदर इंडिया से नेट जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है वो किया है 634 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, 634 करोड़ का। बात करते हैं दोस्तों आज के दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों आज है वेडनेसडे और आज के दिन ये मूवी लगभग 85 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से नेट कर रही है, जिससे कि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा 634 करोड़ और आज जो है कि 85 लाख। और बात करें दोस्तों मूवी के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बेहतरीन जो है कि कलेक्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी का जो कलेक्शन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहा है, और काफ़ी मतलब बोले तो एकदम प्रेजिंग रहा है। और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे मूवी ने जो है कि 1026 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, 1026 करोड़ का जो है कि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर लिया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि मूवी ने ओवरसीज से भी काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया है, जो कि 274 करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, 274 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी जो है कि 1100 करोड़ कमा के एक नया रिकॉर्ड हासिल कर पाएगी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। और दोस्तों बाद बाकी, क्या आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है, और अगर आपने देखी है तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा एक्टिंग किसकी पसंद आई है? मेरा मतलब है कि अमिताभ बच्चन या फिर जो है कि प्रभास की। तो मुझे पर्सनली जो है कि इस मूवी में प्रभास की एक्टिंग उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है जितनी कि अमिताभ बच्चन की आई है। तो दोस्तों आपका क्या है इसके बारे में कुछ कहना, अपने कमेंट में जल्दी से और झटपट से ज़रूर देना। थैंक यू गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।